इफ यू डोंट नो हिंदी दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन नाउ लेट स्टार्ट गाइसी मेरी क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज चल रही है आज हम सीखेंगे वट इज वर्चुलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग इससे पहले टेन टू इलेवन वीडियोज डल चुके हैं लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियोज में गए हमने सारी सर्विस मॉडल्स कवर करें वट इज सै सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड या इंफ्रास्ट्रक्चर ए सर्विस भी हमने डिस्कस कर लिया प्लस, है प्लस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड ये इंपॉर्टेंट है गाइस मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया कि पब्लिक क्लाउड क्या होता है प्राइवेट क्या होता है कम्युनिटी हाइब्रिड क्लाउड सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल सो आप ये सब जरूर चेक कीजिएगा नाउ वर्चुलाइजेशन स्टार्ट करते हैं एंड चैनल पर नया तो बताना चाहूँगा बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डले हुए हैं मोर देन थ्री थर्टी वीडियोज डले हुए चैनल पे क्रिप्टोग्राफी कंपाइलर डिजाइन कंप्यूटर ग्राफिक्स इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स लिंक लिस्ट फॉर इंटरव्यूज बहुत सारी चीजें डली हुई हैं सो तो आप चेक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए चैनल पर फटाफट से स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली बस इतना है सिनेरियो वर्चुअलाइजेशन का कि जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है ना उनको हम मतलब यूज़ करते हैं एज वर्चुअल रिसोर्सेज टू बी वेरी बेसिक ठीक है ये सीन आपका हो गया इसके अगर डेफिनेशन की सिंपल हम अगर टर्म्स में बात करते हैं तो इट इज़ अ टेक्निक विच अलाउस शेयरिंग ऑफ सिंगल फिजिकल इंस्टेंस ऑफ एन एप्लीकेशन और अ रिसोर्स अमंग मल्टीपल ऑर्गनाइजेशन या फिर कस्टमर ये सिंपल सा मीनिंग बस वही है कि हमारे पास एक फिजिकल इंस्टेंस है ठीक है रिसोर्स है उसको हम वर्चुअली एक्सेस कर पा रहे हैं कौन कौन एक्सेस कर पा रहे हैं जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कस्टमर जो भी उसको सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं राइट अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मशीन है उसको आपको कन्वर्ट करना ठीक है इन टू थ्री वर्चुअल मशीन मतलब बेसिकली सपोज आपके कंप्यूटर है उसमें हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डला हुआ राइट right, उसमें आपका सपोज एग्जाम्पल विंडोज है फिर कुछ भी होता है तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है और हाइपरवाइजर उसको हम बोलते हैं तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम एक जो हमारी मशीन है इसको हम इसके रिसोर्स को मतलब बेसिकली तोड़ के हम वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं राइट वर्चुअल मशीन्स क्या होती है यार बेसिकली आपका ये मतलब कंप्यूटर ही हो गया बेसिकली समझ लीजिए बस ये है कि ये फिजिकली एक्जिस्ट नहीं करेगा हम इसी कंप्यूटर से सपोज इस जो स्पेसिफिकेशन है इस कंप्यूटर की एग्जाम्पल वन टी बी इसमें स्टोरेज और सिक्सटीन जी बी ऑफ़ रैम है तो अगर मेरे को सपोज एग्जाम्पल लिए तीन वर्चुअल मशीस बनानी है मैंने रिक्वेस्ट दी तो हम क्या कर सकते हैं कि वन टी बी में से मैंने कुछ स्पेस इसको एलोकेट कर दिया जैसे सौ 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 जी बेरे को दिया और कुछ कुछ रैम सपोज़ फोर 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 मैंने इनको एलोकेट कर दी राइट right? तो बची कितनी है मेरे पास चार जी बैम अगर मैं चाहूँ तो बाद में और भी वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबको चार जी बी ही रैम देनी पड़ेगी दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर रिक्वायरमेंट आप चाहो तो वन जी बी रैम दे सकते हो और बाकी अपना स्टोरेज में पचास जी बी भी रख सकते हो दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू तो बेसिकली बस समझाने का मतलब ये है

डिस्कस करते हैं सारी चीजें ना हुआ कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए लिख के रखी हुई हैं जैसे कि फॉर एन एक्जाम्पल ऑल द वर्चुअल रिसोर्सेज जो वर्चुअल मशीन मैंने आपको अभी दिखाई है वो सब इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगी मतलब बस कहने का ये है कि जो यूज़र वन है यूज़र टू यूजर थ्री जो अलग अलग मशीन को यूज़ कर रहे हैं ये सब इंडिपेंडेंट है ठीक है मतलब जो काम आप इसमें कर रहे हो इस, इसका इस काम का इफेक्ट इस पर कुछ नहीं पड़ने वाला है ठीक है सारी ये बिल्कुल इंडिविजुअल मशीन आपकी होने वाली हैं तो ये आपको सिनारी हो गया अब गई इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे आपकी एक होस्ट मशीन होती है और एक गेस्ट मशीन होती है ऑब्वियसली होस्ट मशीन क्या होगी जिस मशीन पर हमने वर्चुअल मशीन्स को बनाया है वो आपकी होस्ट मशीन हो गई एंड गाइज जो आपकी वर्चुअल मशीन बन रही है वी एम वन वी एम टू ये आपकी सिंपली गेस्ट मशीन होगी या फिर इसको आप वर्चुअल मशीन बोल सकते हो राइट होस्ट मशीन जिस पे हम इस मशीन पे बना रहे हैं सपोज ये हमारी जो भी मशीन है कंप्यूटर है जो भी ठीक है सर्वर है तो इसके ऊपर जो हम बना रहे हैं दिस इज वी कॉल एज द होस्ट मशीन और जो हमारे वर्चुअल मशीन जो हम बना रहे हैं दे आर कॉल्ड एज दी गेस्ट मशीन ठीक है ये आपको टर्म्स पता होने चाहिए ना वट इज हाइपरवाइजर जो मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि हाइपरवाइजर का यूज करके ही हम इस वर्चुअल मशीन को जो है क्रिएट और मैनेज कर पाते हैं तो वही है उसको देखते हैं वट इज हाइपरवाइजर फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हाइपरवाइजर को आप वी भी बोलते हो वी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी वर्चुअल मशीन मॉनिटर ठीक है अब वर्चुअल मशीन तो आपकी जो हम बना रहे हैं वो इसको मॉनिटर बेसिकली ये करता है सिंपल ये है कि ये क्रिएट अगर हम करते हैं ठीक है बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट और रन करने में हमको मदद करता है वर्चुअल मशीन्स को राइट सो इट इस सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स एंड रन दिंग वर्चुअल मशीन्स और या फिर आप इसको सिंपल टर्म्स में और कहना चाहते हो तो इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट वर्चुअलाइजेशन ऑन फिजिकल मशीन राइट सो हाइपरवाइजर का यूज़ करके हम लोग अलग अलग वर्चुअल मशीन बना पा रहे हैं आपका ये सिनारी हो गया एंड अगर हम हाइपरवाइजर की बात करते हैं एग्जाम्पल्स जैसे कि आपके एक दो हो गए वी एम वेयर आपका एक एजाम्पल हो गया दोस्तों हाइपरवीज ऑल्सो एग्जाम्पल राइट तो ये आपके दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिख के रखे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं तो यहाँ पे मैंने दो आपको बता दें अगर हम टाइप्स की बात करते हैं कि हाइपरवाइजर के भैया टाइप्स क्या होते हैं हाइपरवाइजर के आपके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली विच इज़ टाइप वन हाइपरवाइजर होता है और एक टाइप टू हाइपरवाइजर होता है ठीक है इनका नाम ही यही होता है टाइप वन एंड टाइप टू हाइपरवाइजर और इसके और भी नाम होते हैं यार को आप बेयर मेटल या फिर नेटिव हाइपरवाइजर भी बोलते हो और टाइप टू को आप होस्टेड और एम्बेडेड हाइपरवाइजर भी बोलते हो होगा इसकी डिटेल में कि टाइप वन हाइपरवाइजर क्या होता है इसका एक सेपरेट वीडियो हम लोग फ्यूचर में देख लेंगे या फिर राइट फिलहाल के लिए हमारा ये हो गया दो होते हैं नाउ बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं कि यार वर्चुअलाइजेशन भैया हम कर रहे हैं तो हमें इसका फायदा क्या हो रहा है वट इज द बेनिफिट ऑफ दैट देखिए सबसे पहली बात तो ये यार एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ सपोज आपके पास एक ही मशीन है राइट इसमें आपका वन टी बी पड़ा हुआ है सोलह जी बी पड़ा हुआ है एक पर्सन है उसका ज़्यादा यूजेज नहीं होता है मशीन का वो अपना सिंपली जैसे कि कोई भी गेम वगैरह खेलने के लिए एक्सेस कर रहा है तो सपोज़ फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी जो रैम वगैरह है ठीक है सपोज एग्जाम्पल गेम वगैरह जो एक्सेस करते हैं तो चार जी बी या फिर एट जी बी सफिशेंट मोर देन सफिशियंट बच जाती है बाकी जो एट जी बी है वो एक्स्ट्रा जा रही है राइट आपके वन टी बी में से सपोज उसने जो डेटा स्टोर किया हुआ है हार्डली ये मतलब बहुत ही कम स्टोरेज यूज करता है हंड्रेड जी बी इस यूज़ कर लिया तो बाकी जो नाइन हंड्रेड प्लस जो आपकी स्टोरेज uh, बची हुई है वो वेस्ट जा रही है ना बेसिकली तो इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं बेटर वे में कैसे इसको हम हाइपरवाइजर के थ्रू वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दें और जो बाकी हमारी स्पेस बच रही है वो यहाँ पे हम अपनी वर्चुअल मशीन्स को दे दे यूज़ दे देंगे एंड इन वर्चुअल मशीनस को जो है हमारे यूजर्स एक्सेस कर पाएंगे राइट right? तो ये आपका जो है एक सिनारी हो जाएगा तो बेनिफिट ये बेसिकली कि हमारी जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो बढ़ रहा है ठीक है इट इज़ बिकमिंग बेटर वो लिखा है बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमारा होगा कि हमारे जो ये एक्स्ट्रा स्पेस और जो हमारा एक्स्ट्रा रैम बचा हुआ है ये हम वर्चुअल मशीनस को दे देंगे और ये हम वर्चुअल मशीन हमारे यूजर्स एक्सेस कर पाएंगे राइट तो यहाँ पे हमारे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है फर्स्ट बेनिफिट सेकंड यार लोअर्स द कॉस्ट ऑफ आई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अब यार हमको अलग अलग अगर मशीन्स खरीदनी पड़े सपोज हमें तीन बंदों को रिक्वायरमेंट है तो हमने तीन अलग अलग लैपटॉप या फिर तीन मशीन हमने खरीदी तो हमको कितना ज़्यादा आउट मतलब इनपुट पड़ेगा राइट कितना ज़्यादा पैसा हमको खर्च करना पड़ेगा बेसिकली बट एट दी सेम टाइम हम अगर मतलब वर्चुअल मशीन्स को ले लेते हैं तो हमारा कॉस्ट भी बचता है कि हम जितनी देर के लिए यूज कर रहे हैं उतनी देर के लिए हमने ले लिया एक्सेस सर्विसेज के थ्रू और अपना उतना ही पे कर दिया राइट तो लोअर्स दी कॉस्ट ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उस चीज की टेंशन की जरूरत नहीं है नेक्स्ट एज रिमोट एक्सेस आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो इंडिया से श्रीलंका से भूटान से राइट right? एनी कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं पेपर यूज है बेसिकली आपने चार घंटे के लिए लिया तो आप चार घंटे के लिए ही यूज करेंगे ऑन डिमांड मतलब आप कभी भी उसको डिमांड कर सकते हैं ठीक है वो आपका सुनाया हो होगा तो ये आपके बेसिकली बेनिफिट्स हो गए और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनेबल्स रनिंग ऑफ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स सबसे बड़ी बात मतलब सपोज ये वाली ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारी होस्ट मशीन पे थी ये आपका विंडोज था तो ऐसा नहीं कि इन सब पे विंडोज होगा इस पर विंडोज हो सकता है इस पर लिनस हो सकता है ठीक है इस पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है तो वर्चुअल मशीन एंडी मतलब अलग अलग जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सपोर्ट कर सकती है इस पर सपोज विंडोज़ है इस पर आपका लिनक्स है ठीक है कुछ भी हो सकता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर ऑल्सो सपोर्टेड नाउ एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेनिफिट ही हो गया आपका ये भी कि अगर आपकी एक वर्चुअल मशीन में काम चल रहा है फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई किसी से ये चल नहीं रहा है तो इससे बाकियों का काम नहीं रुकेगा वो अपने तरीके से फंक्शनिंग करते रहेंगे राइट सो इफ वन वर्चुअल मशीन इज नॉट वर्किंग और हैविंग एनी प्रॉब्लम अदर्स विल नॉट बी इफेक्टेड सो दिस वॉज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ वट इज वर्चुअलाइजेशन का जितना शॉर्ट में हो सकता है मैंने आपको टू द पॉइंट समझा दिया है अब कुछ टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन भी आपकी होती है उसका एक सेपरेट वीडियो हम फ्यूचर में देख लेंगे राइट फिलहाल के लिए आपका ये कंसेप्ट हो गया पूरा एंड वीडियो अच्छे लगे तो आप यहाँ तक बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड मेरा इंग्लिश चैनल भी है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी एंड ऐसी वीडियोज़ आते रहेंगे बहुत सारे चैनल पर वीडियो डेले में इफोसिस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ शेयर किया हुआ कि इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन करनी है सोन सो जाइए चेक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर गुड बाय जय हिंद वंदे मातरम